एसएम न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हैं हम इंडिया गेट, भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर ऐतिहासिक जगह इंडिया गेट। यहाँ सभी लोग अधिकतर पिकनिक मनाने के लिए आते हैं, अपने अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर आते हैं। ये जो मैं दिखा रहा हूँ छोटी छोटी गाड़ियाँ हैं, इनमें पिकनिक मनाते हैं बच्चे, इन गाड़ियों में झूलते हैं। और सामने जो विशाल इंडिया गेट और जिस पे इंडिया लिखा हुआ है और इस पे जो हमारे शहीद हुए नौजवानों की इसमें पूरा इतिहास लिखा है, और एक जो तीन रंगों का जो झंडा है वो वहाँ लगा हुआ है, और तीनों सेनाओं का जो झंडा लगा हुआ है, तीनों सेनाओं के यहाँ जवान हैं वो मौजूद हैं। बड़े बहुत तादाद के अंदर यहाँ पब्लिक आती है और यहाँ इंजॉय करती है। और 15 अगस्त और 26 जनवरी को यहाँ एक बहुत बड़ा प्रोग्राम मनाया जाता है, जिसके अंदर समस्त भारत के लोग यहाँ आते हैं। और इस तरीके से यहाँ पे ये लोग छोटे छोटे बच्चों को लेकर सभी परिवार के लोग यहाँ आते हैं और बहुत बड़े पैमाने में पिकनिक मनाते हैं। यहाँ पूरे भारत से ही नहीं, देश विदेश से भी यहाँ लोग आते हैं। और ये देखिए जो आप इतना क्राउड देख रहे हैं, भीड़ देख रहे हैं, और ये पब्लिक देख रहे हैं यहाँ पर, और जो मैदानों के अंदर हम बैठे हुए हैं। और एक नई बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान दिया था वो 26 नवंबर को दिया था, और वो 26 नवंबर को यहाँ एक त्यौहार के रूप में मनाते हैं। और वो त्यौहार सभी अपने घरों के अंदर, फार्म हाउसों के अंदर, पार्कों के अंदर, और जहाँ जैसी जगह मिलती है वहाँ उसी प्रकार से मनाते हैं। 26 नवंबर को एक त्यौहार के रूप में मनाते हैं, जिस प्रकार से 14 अप्रैल मनाई जाती है। 14 अप्रैल को बाबा साहब का जन्म हुआ था और 6 दिसंबर को बाबा साहब का परिनिर्वाण हुआ था। उसी प्रकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान दिया था और संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, और संविधान को 26 नवंबर को थैंक्स कहते हैं। और यहाँ बहुत तादाद के अंदर 26 नवंबर को यहाँ सभी जनता आएगी और अपना इंजॉय करेगी। बच्चे गुब्बारे उड़ाएंगे, जिस तरीके से इंजॉय इस समय कर रहे हैं उस समय भी उसी प्रकार से इंजॉय करेंगे। अपने घर से खाना बना के लाते हैं और सभी एक साथ बैठ के खाते हैं। और एसएम न्यूज़ की टीम भी यहाँ 26 नवंबर को आएगी और अपने साथियों के साथ में एक बहुत अच्छा कार्यक्रम लेके आ रही है। जो